अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट शो। आज दिन का आगाज़ पाकिस्तान ने 499 रन के 7 विकेटों के नुकसान पर किया। पाकिस्तान की जानिब से नौजवान बल्लेबाज आगा सलमान ने नीफ सेंचुरी स्कोर की। ताहम इंग्लैंड के स्पिनर विल जैक्स की जानिब से उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया और उन्होंने पाकिस्तान की आखिरी 3 विकटें हासिल करके पाकिस्तान की इनिंग का खात्मा किया। इस तरह इंग्लैंड 78 की लीड लेकर दूसरी इनिंग का आगाज़ करते हुए 267 रन बनाए। चौथे रोज़ इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 343 रन का हदफ देने के बाद डिक्लेरेशन का ऐलान कर दिया। हालांकि इस वक्त मैच में तकरीबन 100 से ज़्यादा ओवर मौजूद थे। इंग्लैंड की टीम ने इस टेस्ट मैच के आगाज़ से ही जाहिलाना अंदाज अपनाया हुआ है और ये ना सिर्फ उनकी बैटिंग और बॉलिंग में भी आया था बल्कि आज इंग्लैंड की जानिब से की गई डिक्लेरेशन भी खासी दिलाना थी। और जब पाकिस्तान दूसरी इनिंग का आगाज़ करने आई तो पाकिस्तान को दो बड़े झटके। ओपनर अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए और कप्तान बाबर आजम भी आउट होकर पवेलियन वापस चले गए। बाद इमामुल हक और सऊद शकील ने पाकिस्तानी इनिंग को सहारा दिया। पाकिस्तान को पहले टेस्ट के आखिरी रोज़ फतह हासिल करने के लिए 263 रन दरकार है, जबकि इंग्लैंड को पाकिस्तान में 20 बरस बाद टेस्ट मैच जीतने के लिए 8 विकटें हासिल करनी होंगी।